अरे अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, एम्बुलेंस वाला हो रहा है ना, धक्के मार मार के लेके जा रहा है। तो इसी को करते हैं भाई फाइनल पर। भाई फ्लैश चला रहा है, मैं बोल रहा हूं लाइफ में पे गाड़ी हर चीज है मेरे सामने, कैमरे वो लग रहे हैं, दिखाऊं आगे कैमरे कहता है एसपी को उठा के ले गए। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई पार्क से। आज तुम्हारा भाई के अंदर ना फुल जोश आ चुका है कि आज से मैं बॉडी बना के रहूंगा चाहे कुछ भी, क्योंकि ना देखो कब तक भाई डिगली बॉडी लेके घूमता रहूंगा मैं। तो आज थोड़ा डम्बल वम्बल उठाएंगे फर्स्ट क्लास, उसके बाद भाई आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला कि ना आज अब हम लोग भाई जाने वाले हैं बैंक्वेट हॉल देखने के लिए, जो कि होने वाला है मेरी मम्मी और पापा की मैरिज एनिवर्सरी के लिए। भाई बड़ा मजा आने वाला है। बच्चों क्या कर रहे हो, ये महल बना रहे हो क्या? तेरे अबे तेरी नाक निकली, नाक साफ कर ले, चाट ले हाँ चाट ले, गुड वेरी गुड, इससे ना स्वाद आता है अच्छा। लटका तेज आ जा, ले पकड़ एक बार, पकड़ ले, छोड़े मत, ऊपर चल, खींच ऊपर खींच, या नीचा बस आज के लिए बोले। दिक्कत कब से वैसे, याद मतलब याद आज भूलने की? शुरू से ही है। हाँ, पढ़ाई में दिमाग नहीं चला भैया, अपने पढ़ने का बड़ा मन रहा है। रीजन क्या बता रहे ना, सिर के हवा लगी थी, हड्डी फूल गई थी सिर की। अच्छा, टाइम पर गांव में रहते थे। हाँ, तो गोर हुई नहीं। देखो बादाम खाओ तो डेली याददाश्त बढ़ाने के लिए, ठीक है? योगा वोगा कर लो, योगा से तुम्हारा थोड़ी बहुत दिक्कत दूर हो जाएगी। तो बड़ा खतरनाक रहा है, ले डायमंड्स कितना प्यारा है भाई, सही है ना? वही डायमंड जैसे रेट भी है इसके, रेट वेट भी देखी जाएगी भाई। अरे भाई पैसा कमा लिया। ओ भाई, इस वाले को भी देख के आएंगे हम लोग। अभी भाई पता करने गए कि कौन कौन से इसके अंदर फ्लोर खाली है, कि ये लौंडे पहले आ गए भाई। इनको जैसे इनके भाई कान खड़ोगे तुरंत, जैसे पता लगा ना कि भाई अच्छा भाई मेरी एनिवर्सरी है, तुरंत कान खड़ोगे भाई। भैया मतलब ये ज्यादा लोग नहीं है, मतलब 100-150 के हिसाब से ज्यादा नहीं है? 500 लोगों का होता है। अच्छा 500 लोगों का होता है ना, हाँ तभी तो। अच्छा भाई ये है मेन्यू, देसी घी में सारा फूड रहेगा अपना, 7-8 तरह के स्नैक्स आ जाएंगे, मिनी पिज्जा, स्प्रिंग रोल, चिली पनीर, मंचूरियन, चिली बटर, दही के छोले वगैरह। भाई सारी बकवास छोड़ो, ये बताओ टेस्ट कैसा लगा? बढ़िया। कैसा लगा मतलब बढ़िया? रिव्यूज 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9.5। आधा नंबर क्यों काटा? यहाँ भी जाओ फ्री का प्रमोशन करवाओ, ठीक है? YouTube खोल के भैया सर्च करो जाने मन गेमर। अरे क्या परेशानी है, तो ना काट रहा इसे। कौन बोल रहा है भाई? हेलो ब्रो। हाँ ब्रो बोल भाई, कैसे परेशान हो रहा है? नंबर कहाँ से मिला तुमको मेरा? ब्रो मुझे ये फ्री में डायमंड देते हो, ये मुझे ये फ्री में डायमंड देते हुए डायमंड भाई 2-3 बैंक कर करने हैं, ले डायमंड में चेक करके आए हम लोग। ये वाला पूरा बैंकेट हॉल है देखो इस तरीके से, और भाई इसके अंदर पूरा खर्चा बताया है 125 लोग का, लगभग 2.5 लाख रुपए भाई। कैसे पूरी गुंडा करती में उतर रहे हो तुम? है भाई स्प्लेंडर की जान निकालोगे? अच्छा भाई चल रहा है मोहल्ले में, ये आगे से बोर्ड फाड़ दी पूरी, नास पीट रखा बिल गली। देखिए एम्बुलेंस वाला हो रहा है ना, धक्के मार मार के लेके जा रहा है। अब निकाल लिए असली बाइक, अब निकाल लिए हैं राइडर साहब। कैसे फाइटिंग हो रही है भाई? लड़ो मत। अरे छोड़ो भाई अपने यार, भाई सब मस्ती कर रहा है, मारो छोड़ना छोड़ो, एक काम करो एक बारी में। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये सब्जी गिरा दी भाई बेचारे की। अरे नहीं नहीं नहीं, बेल्ट रहने दो। अरे छोड़ दे। अरे रहने दो बस, बहुत हो गई। चल हम लड़ नहीं रहे, कैसे फॉर्म में आ गया तू? बिल्कुल ही बाइक खड़ी करी अपनी, बाइक खड़ी करी। ओ भाई क्या बंदा है ये, क्या बंदा भाई ये भाई, एक तो खुद कह रहे की लड़ाई छुड़वा देता है। छोड़ इसको, देख ले बता रहा हूँ, 5 मिनट लगेगी उल्टा होने में।
थोड़ा बावली पूछेगा इसके भाई, इसके भाई वो है, इसके क्या कहते हैं दो चेहरे हैं, दो मुंह है इसके, एक मुंह मासूम वाला और एक मुंह जंगली शैतान वाला। भाई अभी सीन कुछ ऐसा हुआ कि ना ऊपर से ना वो अपने बेलदा कुछ काम कर रहे थे ना, सारी मिट्टी हमारे ऊपर गिर गई भाई गलती से, उस बात भाई ऐसे भी भड़क गया पूरा पूरा। ला 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 ले, अरे ये भाई वाह अलग ही लेवल का लग रहा है। पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में। भाई दूसरे बैंकेट हॉल आ गए भाई चेकआउट करने के लिए, गोविंदम ये हमारे पास में दुर्गापुरी में ही है, क्योंकि ना भाई वहाँ सीन ये था कि वो थोड़ा बड़ा था, मतलब 500 लोगों के स्पेस के लिए था, लेकिन ये वाला थोड़ा कम लोगों के लिए है। ये वाला सेक्सी लग रहा है ना भाई, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग में भी थोड़ा कम है। तो भाई मेंबर भी तो कम है ना, वही वाली बात है पूरी। भैया मैनेजर भैया कहाँ है? तो भैया यहाँ पे फिर पर प्लेट का हिसाब किताब क्या जरा बता दो थोड़ा डिटेल में। सर आपका कितने लोगों का प्रोग्राम है? हमारा रहेगा भैया 100 से 125 के बीच में, लगभग 900 रुपए से लेके 1100 रुपए तक का खर्चा है। अरे भाई यहाँ पे रोज हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। अरे वाह भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, एकदम बेस्ट जगह बुक कर दे भाई। ये वाला बैंक्वेट हॉल मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मतलब स्पेस भी काफी सही है, यहाँ पे जितना मतलब चाहिए 100-150 के वो हिसाब से कैपेसिटी, वो भी ठीक लग रहा है। ये हमारा पूरा हो जाएगा स्टेज, इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा डीजे। इनको ज्यादा की 6 तारीख का ना ये वाला फ्लोर तो बुक पड़ा है, जो तुम्हारा ग्राउंड लेवल वाला, तो अभी ऊपर वाला देखने चल रहे हैं हम लोग। अरे वाह, ये तो और जोरदार है भाई, ये वाला जोरदार है ना, इसी को करते हैं भाई फाइनल। फिर ये भी सीन सेट है भाई पूरा एकदम, यहाँ अपनी चल जाएगी पूरी फिल्म विलम चल जाएगी, और ये स्टेज हो गया भाई। मोटा भाई, मोटा भाई क्या बताओ यार, ये कितने मुद्दे शक्ल पे भाई। भाई देखो देखो, अब ये हिजड़े आदमी की जवानी नहीं है, तो हमारी गलती। कितने दाने हैं, दोनों के दोनों दाने वाले बंदे हैं भाई, जब भी दोनों साथ बोल रहे हैं हमारे, देख लो क्या गंदी हरकत कर रहा है। तो भाई फाइनली हम लोगों ने गोविंदम बुक कर दिया है भैया, सारी बातचीत हो गई है ठीक है भैया, 6 तारीख का सीन डनर ठीक है। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, चले अब एसपी सब चले अंदर, डॉक्यूमेंटेशन दिखा दे भाई। भाई मैं चला रहा था, मैं बोल करूँ लाइसेंस मेरे पे गाड़ी हर चीज है मेरे पास, मेरे पास है तो तू ये चला रहा था, हेलमेट था इस पे, ये सामने कैमरे वो लग रहे, दिखाऊं आगे कैमरे, ये गली से मैं कैमरे दिखाऊं, पार्क आए हैं वॉक करने के लिए, वॉक करने के लिए रोड पे चला रहा है ना, दे दे भाई। बड़ा गंदा सीन हो गया अभी के भी, भाई विनीत भाई की ना बाइक उठा ली यहाँ से इस वाले पार्क से, अभी के भी यार बहुत गंदा सीन हो चुका है भाई, अभी थाने में ले गए हैं बाइक को। रीजन क्या दे रहे हैं, रीजन क्या दे रहे हैं भाई? रीजन ये है, आपने आरसी मंगाने में लेट कर दी, मेरा दोस्त था वो बाइक चला रहा था, मेरे पास लाइसेंस वगैरह हर चीज है, फिर भी पकड़ ली फालतू। अरे भाई सबसे बड़ी बात तो भाई यहाँ से क्यों उठाई पार्किंग में से उठाने का मतलब ही बनता, पहली बात तो यार आना यहीं पे सामने 100 मीटर की दूरी पे भाई चलता है, बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि बाइक जब्त हो गई ना, तो भाई इसके पापा ना इसके वजह से मचाते हैं भाई, हम चाह रहे हैं कि ना हमारे एंड से सब कुछ हो जाए शॉर्ट आउट, और भाई देखते हैं अब क्या होता है, टेंशन तो बहुत ज्यादा है, चलो चलते हैं सीधा अंदर आ गए हैं, देखते हैं अब क्या सीन होता है भाई। ये देख क्या कर रहे हैं भाई बाइक का लेकर जा रहे हैं, बताओ बाइक को उठा के स्कूल से आ रहे थे, ड्रेस ला रहा था, फाइल लेके आ रहे थे, स्कूटी रोकी, चाबी निकाल ली एकदम, स्कूटी गई है, मिल गया ना भाई, लर्निंग लाइसेंस मिल गया ना, लर्निंग है ना, लर्निंग से भी नहीं मान रहे, हर चीज हमारे पास जब भी नहीं मान, तुम्हारा कुछ जुगाड़ हुआ कि नहीं हुआ? भाई बंदा कह रहा है, बंदा कह रहा है कि भाई पुलिस वाले सामने ऐडते नहीं है, मैं फूफा को फोन मिला के छुड़वा दूंगा एक सेकंड में, फिर तू करेगा ही, कहते भाई फॉर्म ही आ गया, स्टेशन आ गया भाई, अभी चलते हैं अंदर, पेपर वेपर लिया है जो भाई कहा था पेपर लिया है भाई। हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि आज गाड़ी नहीं छूटने वाली, हम लोगों ने ना सारा A to Z सारा पेपर वर्क कर दिया था, लेकिन हमारी बाइक अब तक वहीं खड़ी है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा लॉक वॉक लगा रखा है, और बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है यहाँ से छूटने का बाइक का। तो चलो भाई यहाँ पे यार अपना जो चौथा भाई है वो वहीं पे भाई पुलिस स्टेशन के अंदर, कह रहा है कि भाई मैं यहीं रहूंगा, बाइक निकलवा के जाऊंगा हर हाल में। पर भाई एक बात कहूँ, वो भी हमने जिद पकड़ के बैठ गया भाई, वो भी उसने भी जिद पकड़ ली, और भाई वहाँ पे सामने पुलिस वाले ने भाई जिद पकड़ ली अपनी। हाँ तो हम आ गए हैं थोड़ा अभी पेट पूजा करने के लिए भाई, यहाँ पर राजश्री किचन में आ गए हैं। हाँ भाई माल पानी आ गया क्या? प्याज 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 यार भाई, तू ऊपर धर लिया पुलिस वाले ने भी रास्ते में, थोड़ा खाने पीने के बाद मैं बाहर घूमने आया था, तभी मेरी मुलाकात हो गई यहाँ पे देव भाई से। अरे शर्मा क्यों रहा है भाई, ये देव, अरे देव का डमरू बजियो, बजियो डमरू बजियो, ओ भाई ओ, अब हल्ला बोल, डटे जा, शांत हो जा, शांत हो, नहीं भाई मेरे ऊपर मत चढ़, अब नहीं भाई मेरे ऊपर मत चढ़, ओ भाई
ये जो ब्रीड है ना इसका नाम है डेल बेसन। और यार देखो इसको ना मतलब ऐसा कहते हैं कीना वाले कुत्ते भैरे होते हैं ना भाई, भैरे होते हैं ना, थोड़े बहुत होते हैं, मतलब भैरे होते हैं ना भाई।